से इतना घबराहट है और आगे जब यह अभियान चलेगा उनको सत्ता से बेदखल करने का, तब उनको अंजाम पता है। उनका जो 38 दल का जो हम लोग देख रहे हैं, एक लोकसभा के लायक भी नेता नहीं है। नमस्कार, मैं कृपा शंकर, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि इंडिया वर्सेस एनडीए को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में वैसे दल शामिल हो रहे हैं जिनका लोकसभा का एक भी एमपी नहीं है, वो चुनाव जीतने की एक तरीके से कहे तो हैसियत नहीं रखते हैं। वहीं हमारे में तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर की पहचान है, नीतीश कुमार हो जाए, लालू प्रसाद यादव हो जाए या कांग्रेस पार्टी हो जाए, तमाम पार्टियों का उन्होंने नाम जिक्र किया है। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मदन साहनी। विपक्षी जो एकजुट हुए हैं इस बौखलाहट में इस तरह का वो सवाल उठा रहे हैं और फिर हम अपना विपक्षी का क्या नाम रखेंगे ये तो हम लोग तय करेंगे ना। हमारे नाम को वो तय करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने जब एनडीए रखा तो हम लोगों ने तो इस पर आपत्ति नहीं किया था और ना आज कर रहे हैं। और सिर्फ नाम से इतना घबराहट है और आगे जब यह अभियान चलेगा उनको सत्ता से बेदखल करने का, तब उनको अंजाम पता है। आज भी उनको पता है अंजाम कि हमारा क्या होने वाला है। वो सत्ता से पूरी तरह बेदखल होने वाले हैं और इसी बौखलाहट में डर से वो इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। हमारा नाम पूरा दुरुस्त है और हम इस नाम के सहारे लोगों तक पहुंच बनाने में जल्दी से सफल होंगे। एक बात आप समझ लीजिए, हमारे पास जितने नेता हैं वो अपने आप में बड़ा उपलब्धि है और उनका जो 38 दल का जो हम लोग देख रहे हैं, उनका अगर एक लोकसभा के लायक भी नेता नहीं है। और हमारे पास आदरणीय नीतीश कुमार जी जैसे नेता हैं जो राष्ट्रीय स्तर का पहचान है, लालू प्रसाद जी हैं, ममता बनर्जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, शरद पवार हैं, ऐसे अनेकों हमारे पास नेता हैं हमारे विपक्षी के बीच में जिनका राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान है और उनके साथ जो लोग हैं वो हम लोग कहेंगे तो आप लोग को भी लगेगा कि क्या बोल रहे हैं। ब्लॉक स्तर से ज़्यादा का नेता नहीं है, अकेले अगर वो लोग लड़ेंगे जो लोग गठबंधन कर रहे हैं उनका एक लोकसभा में भी उनका पहचान नहीं है। वैसे लोगों को उन्होंने बुला करके संख्या तो बढ़ा दिया लेकिन उस संख्या में कोई बल नहीं है, कोई मजबूती नहीं है और इसी कारण से तो इतना घबराए हुए हैं, दूसरा कारण कहाँ। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन साहनी, उन्होंने एनडीए को लेकर के तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में तो वैसे वैसे दल शामिल हो रहे हैं जिनकी कोई पहचान ही नहीं है, वो एक लोकसभा का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे, एक जगह से कहीं एमपी भी नहीं बन सकते, वैसे लोग एनडीए में सिर्फ गिनती के लिए जुड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे नेता है, लालू प्रसाद यादव हो जाए या नीतीश कुमार हो जाए या शरद पवार, तमाम नामों को उन्होंने गिना है कि कांग्रेस की पार्टी को लेकर के कहा कि राष्ट्रीय स्तर के हमारे पास नेता और उनके पास तो ऐसे लोग हैं जो एक एमपी का चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।